वो निर्भय रमण होती है। और यदि थोड़ी सी विपाप के रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही आचार्य चरण कहे हैं, जरा बस करिए कहा इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्मापर सुगंधिना न्यविषद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। तो सगो गोपाल कोच्युत या की व्याख्या कर सकते हैं कि तत्रापि नायकस्य उत्कर्षार्थमाह अच्युत इति, तत्रापि गाव अनुभाविका गोपाला सेवका शक्तीनाम निर्भयत्वाय एते देवा साक्षिणः। यदि रमण है तो निर्भयता होनी चाहिए, ये प्रमेय प्रकरण है, वही फलित भय है यहाँ के गोपी जीत में। तो शक्तीनाम निर्भयत्वाय एते देवा साक्षिणः, तब निर्भय रमण की स्थिति आएगी, तब शुद्धाद्वैत को अनुभव घटित होएगो। यदि सभय रमण रहे हो तो शुद्धाद्वैत को अनुभव घटित नहीं होगो, यदि निर्भय अरमण रहे हो तो शुद्धाद्वैत को अनुभव घटित नहीं होगो। निर्भय रमण में शुद्धाद्वैत को अनुभव घटित हो रहे, चरितार्थ हो रहे है, ये मुख्य वो है। और जरा ध्यान दे के आप देखो तो सात्विक सात्विक की गोपिका वही कह रही है, विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते शरण नीयुषाम संस्कृते भयात कर सरोहम कांत कामदम। भगवान के श्रीयस्त में दो गुण है, अभय देने को और काम देने को। रमण प्रद है श्रीयस्त और अभय प्रद श्रीयस्त है। ये कहे कि भाई जो बात कहनी है तो जहां प्रकार से ब्रह्म को उपपत्ति को पक्ष है ख्याल में आया ना, ब्रह्म को जो उपपत्ति को पक्ष है तो स्वतः सगुण साकार सधर्म के है, वह स्वयं शुद्धाद्वैत रूप है, माने स्वयं निर्भय रमण रूप है। तो निर्भय रमण रूप यदि वापस श्रीहस्त है तो निर्भय रमण रूप श्रीहस्त को वरदान क्यों नहीं मांग रही हो, विकास में बैठे बैठे ज्ञान मार्ग में डायग्रेशन कर रही हो, कैसे नकल गोपिका आनंदनो भगवान अखिल देहना मंत्र है, ये डायग्रेशन की यहां क्या प्रसंग की आवश्यकता है। सीधी सी बात करो तो तुम्हारे शुद्धाद्वैत, यदि मैंने ज्ञान को भी निरूपण करना है तो शुद्धाद्वैत के फ्रेमवर्क में थोड़े करो, जितना एक्सप्लोर किया जा सकता है ब्रह्म को उतना तो कर लो। अरे भाई ब्रह्म के तो 50 एस्पेक्ट हैं, उन एस्पेक्ट की स्थिति करके क्या फायदा होगा कि जो अपने को काम ना आते हो। यदि स्तुति भी करनी है तो कोई ऐसे एस्पेक्ट की ब्रह्म की स्तुति करो कि जो अपने तत्काल में काम सज जाए। मैंने वहां जैसे कही ना कि एक ही अनंग साधी साध सब सदत नाही, अपर अनंग साधी साध सरी है का, जब एक अनंग तू सारी साध कामनाएं सरी में और एक और निराकार की साधना और बता के, और क्या तुम हमारे को एडिशन करवाना चाह रहे हो, कौन से निर्भय रमण सिद्ध हो जाएगा, वह अनंग साधना तू अपर अनंग साधना तू। तो या तो लिए हमारी प्रॉब्लम जो है वो शुद्धाद्वैत की प्रॉब्लम है, निर्भय रमण की माने अभय निर्भय रमण की प्रॉब्लम है। भयजनक द्वैत नहीं होना चाहिए, अरमण जनक अद्वैत नहीं होना चाहिए, द्वैत ऐसा होना चाहिए कि जो अभय प्रद होए, और अद्वैत ऐसा होना चाहिए कि जो रमण प्रद होए। तो ऐसे श्रीहस्त जो यदि हमारे मातृत्व रथ में खींचे तुम मांग करो तो कुछ शुद्धाद्वैत तुमने कहो कहवाए जो तुम्हारे ज्ञान से, बाकी नहीं तो बात तो श्रेष्ठ प्रामाणिक है पर श्रेष्ठ नहीं है। मैंने प्रामाणिक होते भय भी बात श्रेष्ठ नहीं है, वहां तो कारण ये कि तुमने मांगने में ऐसे तत्व ऐसे रूप की वर्णन किया कि जाको यहां से प्रसंग नहीं, बात तो की गई भाई सब गए अब तुम्हारे भी जाने की बारी है, भाई बारी तो है तो आप यहां क्या प्रसंग, अभी बेचारो रो रहे हो गरीब तो पास रो ले दो, थोड़ा समझाओ यदि समझा नहीं तो नहीं समझा सकते हो तो आप रो ले दो, ऐसी बात कैसे समझाना, ये तो बड़ी कठोर बात हो जाए ना। या करे कि ये सात्विक गोपिका को लग रहा है कि गोपिका नंदनत्य के निराकरण कर देनो, ऐसे अखिल देही नाम के अंतरात्मा को अखिल देही को अंतरात्मा या कुछ यहां क्या लाभ, प्रकृत प्रसंग में या वृंदावन में भगवान यदि अखिल देही को अंतरात्मा हो अंतर्दृष्टा हो अंतर्यामी हो तो यहां वृंदावन में क्या लाभ है, वृंदावन में तो कोई लाभ नहीं। तो प्रामाणिक निरूपण होते हुए भी अप्रासंगिक निरूपण है,
यूं करके वो टोक रही है। ये देखो आचार्य चरण क्या है, तो अन्य पुनः सात्विक सात्विक क्या राजस प्रधान आद्यो विशिष्टा, मैंने राजस प्रधान से तो विशिष्ट है, जो राजस ने जो कुछ मांगे करी वकी तो भाषा सुनते ही घबरा गई, ऐसी बात भगवान के साथ कैसे करी जाए। और जो निर्गुण ने जो बिना प्रार्थना ही वर्णन कियो वह बात नहीं आती, भाव रुचि नहीं करे, भाई जब वर्णन ही कर रहे हो तो कुछ मांग के वर्णन करो, इतनी दीनता भी क्या काम की कुछ मांगे नहीं और वर्णन कर लियो, तो कुछ तो तकाजा होना चाहिए कि नहीं, कुछ चौके दीदार है तो तकाजा भी करो, तो कुछ तो तकाजा होना चाहिए कि नहीं, बिना तकाजा तो खाली ऐसा वर्णन साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च को भी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च बन के वर्णन कर देना, ऐसे प्रसंग लीला में या लीला के प्रसंग में क्या लाभ हो, यदि लाभ नहीं भयो तो ऐसे वर्णन क्यों करना चाहिए, या के लिए बीच में टोक दियो तो ऐसे विरचिता भयम वृष्णि दुर्गे थे, ऐसा श्रीयत हमारे माथे पर रख कि जो अभय देने वालों हो, और ऐसा श्रीयत हमारे माथे पर रख कि जो कामद हो, कि अभय और काम प्रवेश अभय प्रवे और काम प्रवेश हम तुम्हारे माथे पर क्यों धरे, कहीं कहते तेरो ये उपपत्ति को पक्ष है कि श्री करग्रह है तेरो, तू अभी तक श्री को कर पकड़ के आया है, और ये जो कोई है ये सृष्टि की बात है, ऐसी बात नहीं है, श्री जो है वो तेरी अभिन्न शक्ति नित्य लीला में नित्य तेरे पास में विराजमान है, जब नित्य लीला पक्ष में नित्य तेरे जो है वो श्री करक ग्राहिता तेरी है उपपत्ति पक्ष के आधार पर, तो आत्मानम वेधा पाते प्रतिष्ठ पत्नी क्या भवतम, तो जब तेरे नित्य लीला में ये नित्य श्री करक ग्राहिता है तो अब तेरे कुआ शुद्धाद्वैत को एडॉप्ट करने में क्या जोर पड़ रहे है, जब तू शुद्धाद्वैत स्वरूप है, जब शुद्धाद्वैत स्वरूप है तो हम कोई गैर शुद्धाद्वैत की मांग तो कर नहीं रही है, सिर्फ शुद्धाद्वैत की ही मांग कर रही है कि रमण जो है वो निर्भय होना चाहिए, और रमण जो है वो निर्भय होना चाहिए, तो यही हम मांग कर रही हैं, द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत होना चाहिए, तो हम स्वीकार ग्राहिता के उपपत्ति पक्ष में हमने ये देखो है और वही हम मांग रहे हैं, कुछ ऐसा हाथ हमारे माथे पर धर गए तो जासू जो है ये रमण जो है वो निर्भय हमारे चलते रहे, हमारे भय दूर हो जाए और ये अरमण की स्थिति ना आने पा रहे सकती है, बड़ी सात्विक भाव सात्विक भाषा सु, पर एक कदम निर्गुण से आगे चल के कुछ बात कहिए जाने कल में आयो ना, श्री गोसाई जी आज्ञा करे हैं तदीयत्वम 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 यदस्ति में, देखो सात्विक भाव कैसा हो गए, तदीयत्वम 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 यदस्ति में तदेव फलम इत्यात्म शास्त्र का प्रमिणुण्य, मैं तेरो हूं मैं तेरो हूं मैं तेरो हूं यही मेरे लिए फल है, ये आत्मशास्त्र जब मैं देखू हूं निर्गुण के लेवल पर तब तो बात समझ में आ रही ऐसी है, क्योंकि तेरो हूं बस यही मेरे लिए फल है, या से ज्यादा में कोई फल है ना या से ज्यादा मेरे लिए कोई हानि है, और तेरो हूं या मैं तो समझ ही नहीं, क्योंकि एको हम बहुत से हम है, हर व्यक्ति जब तेरो है जब तू अकेले देही नाम अंतरात्म दृक्त है तो मैं तेरो क्यों नहीं हूं, मैंने कोई भी कोना तो जैसे सरदार जी ने कोई कोना छोड़ी ना भाइयों और बहनों ऐसे ब्रह्मांड को कोई कोना ऐसा तो नहीं है कि चार कोना में ठाकुर जी को यह कहना पड़े कि भाई ये मेरा नहीं, सरदार जी प्रवचन कर रहे थे और उनकी पत्नी बैठी थी, अब जो कि बताते हैं तो अब उनको भाई और बहनों कहना था, कहें कैसे, तो उन्होंने कहा भाई कोने को छोड़ के भाई और बहनों, सब लोगों ने देखा तो कोने में उनकी पत्नी बैठी हुई, तो ऐसा कोना ब्रह्म को तो छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं भाई कि तुमको छोड़ के सब मेरे हैं मदी हैं, ऐसा तो कोई नहीं, चाहे तो तामस भाव हो चाहे तो राजस भाव हो चाहे तो सात्विक भाव हो चाहे निर्गुण भाव हो, पुष्टि जीव हो कि मर्यादा जीव हो कि प्रवाह जीव हो, दैवी सृष्टि हो कि आसुरी सृष्टि हो, जड़ हो कि चैतन्य हो, सब कुछ ब्रह्म को है, ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म को लियो भय रूप है, और ब्रह्म ने अपने निर्भय रमण के लिए लियो भय रूप है, तो तदीयत्वम 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 यदस्ति में तदेव फलम इत्यात्म शास्त्र तक प्रमिणोम्य हम, यह हमें तो कोई संदेह नहीं है, निर्गुण निर्गुणता की स्थिति से यदि विचार करें तो भाई कुछ सात्विक भाव मेरे हैं उनको सुनेगो कि नहीं, तामस भाव न बोलूं मैं,
क्योंकि अभी 9 मास को भी प्रयोग है, तो तामस भाव न बोलूं तो कुछ सात्विक भाव की तो तुझे को के नहीं। तो वो कहें कि तथापि मन नेत्र वपु प्रभृति नाम जाति पर साक्षात वही उपभोगम में मन कामयते मरा। तेरो तो हूं, विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, तेरो हूं या मैं संदेह नहीं है, और तेरो हूं ये बात को रियलाइजेशन ही अपने यहां फल है, ज्यादा से ज्यादा और कोई फल नहीं है। ज्ञान की पहुंच यहां तक है, भक्ति की पहुंच यहां तक है, भक्ति की दीक्षा यहां तू है, ज्ञान की दीक्षा यहां तू है, तो सभी व्यक्तों अपने यहां यही के लिए भगवदीयत है ना परिसमाप्त करवा था, और भगवदीयता से ही जो है वो अपना परमार्थ माने परम मोक्ष सिद्ध हुए है, और भगवदीयता में ही अपना परम धर्म भी निहित है, परम धर्म भी भगवदीयता से प्रारंभ हुए है, और परम मोक्ष भी अपने भगवतीयता में जाके चरितार्थ हो जाए है। ये तो स्नेह की दृष्टि से, और ज्ञान की दृष्टि से भी यदि विचार करो तो ऐसे भगवान के अपन अंश हैं, यही जो है वो प्रथम साधन कक्षा की अपनी साधना है ज्ञान मार्गी, और भगवान के अंश जो है वह तरह से अनुभूत होने लग जाए, प्रति ये रंग परिच्छेद व्यापक पंचतत्त वही जो है वो ज्ञान मार्ग तो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है। या के अलावा अपने यहां शुद्धाद्वैत में जो जीव खुद ब्रह्म बन जाए, अंशी बन जाए, वो स्थिति तो है नहीं। अंशी तो अभिन्न हो सके है, अंशी तो नहीं बन सके है, अंशी तो अभिन्न हो सके है, अंशी है या बात को समझ लेनो, ज्ञान को जो है वो प्रथम साधना है, जिज्ञासा है। अंशिता को भान जो है वो जिज्ञासा है, और अंशिता को साक्षात्कार जो है वो सिद्धि है ज्ञान की। तो जैसे आरुरुक्षु और आरूढ़ योगी को भेद है, ऐसे ज्ञानी में भी जिज्ञासु और विद्वत दशा, विविध दिशा और विद्वत दशा, ऐसे दो भेद हैं। तो विविध दिशा और विद्वत दशा में भी सिर्फ इतनी ही बात है कि अंशी हूं यह श्रवण मनन कियो, निधिध्यासन कियो, तो जिज्ञासु है, और अंशित्व को जब तक भान होने लग जाए, एषता आत्मा अंतर्याम्य अमृता उपनिषद के, अरे वो तेरी आत्मा है, वो अंतर्यामी है, वो अमृत है। तो तेरी आत्मा वो है या तो मतलब ये नहीं कि देह, तेरे देह की आत्मा वो है, तेरी तो मतलब ही वाकई आत्मा को संबोधित करके कह जा रहे हो है कि तेरी आत्मा की भी आत्मा वो है, जैसे तेरे देह की तू आत्मा है, ऐसे तेरे आत्मा की वो परम आत्मा जो है वो आत्मा है। तो वहां आत्मना माने आत्मात्मत्व जो है प्रभु को, परमात्मत्व जो प्रभु को है, वही अपने यहां ज्ञान में भी अनुभूत होगा। वाकई बात ज्ञान की अनुभूति होने के बाद या कु ज्ञान मार्गी सर्वात्म भाव कहें, सर्वत्र ब्रह्म को भान हो जाए, और सर्वत्र ब्रह्म के भान के अंतर्गत वाकु अपने में भी ब्रह्म को भान होवे, और वही हो कह कहे तो अहम मनोरभुम अहम सूर्य, मेरे से जगत उत्पन्न भयो, मेरे में जगत लीन हो रहे है, तो वो ज्ञान मार्गी सर्वात्म भाव है वाकु। ऐसे भक्त जो है वो भी ऐसे भक्ति मार्गी सर्वात्म भाव में कृष्णो हम पश्यत गति, गोपिकांत ने भी अपने आप को कृष्ण करो, वो तो वाकई एक रसता है, तन्मयता है, तन्मय हो कि नहीं। अरे अपना असिस्टेंट जो है वो अपनी सही करे, सेक्रेटरी आपकी सही कर दे, फोर सेक्रेटरी जब सही करे तो अंशी क्यों ना सही करे, आपको सेक्रेटरी दो चार रखो तो आपके सारे पत्र के जवाब दे दे, फोर करके आपके सारे पत्र के जवाब दे दे, तरह से जो अंशी है वो क्यों जवाब नहीं दे सके, ब्रह्म तरीके क्यों साइन नहीं कर सके, साइन कर सके है, और यही अर्थ में वाकू अहम ब्रह्मास्मि वो साइन करे है, यही अर्थ में वाकू अपन साइन करने की छूट भी दे है कि तत्वमसि, और यही अर्थ जो है वो सर्वं खलु इदम् ब्रह्म को है। ख्याल में सर्वं खलु इदम् ब्रह्म है, यह भी वाकू छूट दी गई है तत्वमसि कहकर के तुम अहम ब्रह्मास्मि सिग्नेचर कर दो, वो सिग्नेचर करे है वहां में कोई अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वाकई दी भाई छूट को हो वो साइन कर रहे हो, वाकू मन जैसे पावर ऑफ अटर्नी हो ना, ऑथोरिटी का जो लेटर हुआ है आपको तत्वमसि तो वो ऑथोरिटी दी गई है तत्वमसि कहके, एषता आत्मा अंतर्याम ममता कहके, तो तुम अहम ब्रह्मास्मि की सिग्नेचर कर दो, वो सिग्नेचर कर रहे हो है या को मतलब ये नहीं कि पावर ऑफ अटर्नी जाके हाथ में आ गई वाको माली भेज खावे या वाको घर ही खा जाए पूरा, पावर ऑफ अटर्नी जाकू दी जाए है वो वैलिड तब तक ही मानी जाए जब आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट न करे, मैंने खुद न ब्रह्म बन जाए
पावर की जो मालिक बन जाए तो पावर ऑफ अटर्नी कोई को लिख के दे दी वो मान्य नहीं होगा। पावर ऑफ अटर्नी को सब बाकू अथॉरिटी दी जाए कि तुम या तो हमारे तरफ से बेच सके, खरीद सके, ले सके, कर्जा ले सके, चुका सके, सारी अथॉरिटी दी जाए जनरल पावर ऑफ अटर्नी। वाको मतलब ये नहीं कि या तो निकाल कर वो कोई दिन अपनी मैंने ऑनरशिप क्लेम कर दे कि भाई हमको अथॉरिटी दे दी तो चलो कल तो हम या मकान के मालिक क्योंकि तुमने अथॉरिटी दी ना। तो पावर ऑफ अटर्नी में भस्मासुरी वृत्ति नहीं है, भस्मासुरी वृत्ति की छूट नहीं है कि शिवजी ने सामर्थ्य दी उन्होंने कि भाई पहले सबसे पहले हाथ आपके माथे में, ये छूट जो नहीं है नहीं दी जाए। नहीं तो भागवत स्पष्ट कहे तो कैयत्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदन तत पतन त्यधो नादृत युष्मदंग्रह तथा नृति माधव सावका क्वचित दृश्यंती मार्गात सही बद्ध संहिता। ये नियर विन्दाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि जो मुक्त हो गए हैं वो मुक्त हो गए हैं या मुक्ति के अभिमान में उनको ब्रह्म के साथ अभेद तो अपना दिखने लगे क्योंकि मुक्त हो गए तो जो संसार में जो भेद दिखते तो अपने को ब्रह्म तो वो भेद दिखने बंद हो जाए तो ब्रह्म के साथ जो अभेद दिखने लगे ब्रह्म के साथ जो घनिष्ठता गई तो घनिष्ठता के कारण क्या हुआ तो उनको यहां अपने में विमुक्तता को बोध हुए है। तो विमुक्तता को बोध और विमुक्त मान्यता एक दूसरे मैंने विद्वान हो और एक मैंने पंडितम मन्य हो संस्कृत में ऐसे दो प्रयोग हैं पंडित और पंडितम मन्य। मैंने जो अपने आप को पंडित माने हमें आ गया ना तो पंडित नहीं है यदि होता तो मानने की क्या जरूरत पड़ती। माने कौन अपने आप को पंडित के जो पंडित नहीं है जो है तो है ही जो है वह तो मानने की जरूरत पड़ेगी क्या। माने वही व्यक्ति अपने आप को पंडित तो जो पंडित नहीं है क्यों हो तो मानने की जरूरत ही नहीं पड़े क्योंकि वाकू फिर रुचेगा नहीं। मैं बंबई में एक वक्त ऐसे हुआ कि एक नए कलाकार ने किसी ने ऑर्गेनाइजर ने प्रोग्राम किया तो उनको कह गए तो सबके नाम लिए तो उनने कही तो भाई हमारा नाम भी गाने में अब वो जो सुवेनियर छपे वहां में पंडित नाम नहीं लगे तो कलाकार नाराज हो गए तुमने कहा सुवेनियर में हमारा नाम छापे पंडित नाम नहीं छापे तो ऑर्गेनाइजर ने कही गलती हो गई महाराज गए आते वक्त तो नाम भी नहीं छापेंगे या वक्त पंडित नहीं छापे। यदि पंडित हो वस्तुतः तो पंडित नहीं छपने से घबराहट क्यों होनी चाहिए। भाई जा वक्त तुम गाओगे वहां वक्त दुनिया पंडित मानेगी पंडित छपे कि नहीं छपे। पर जब इतना उद्वेग हो रहे हो कि पंडित नाम नहीं छपे तो नहीं आते वक्त तुम नाम भी नहीं छापेंगे या वक्त पंडित छापना भूल गए क्षमा करो आते वक्त नाम भी नहीं छापेंगे। तो पंडित मान्यता आ गई ना तो पंडितम मान्यता एक दूसरी चीज है और पंडित होना दूसरी चीज है। हमारे एक अशोक राय करके सितारिस्ट आए किशनगढ़ में आए तो आने मुक्त महाराज सितार सुनो उनके अच्छा जरूर सुनेंगे सितार। तो मुझे कही कि मेरे सर्टिफिकेट देखो सर हमें कि अशोक राय जी सर्टिफिकेट देखने क्या जरूरत है सितार सुनेंगे शाम को मुझे कही नहीं सर्टिफिकेट देखो भाई सर्टिफिकेट देखने से कोई लाभ नहीं होगा मेरे को तुमने कि नहीं आप देखो ही देखो। फिर मेरे को क्रोध आ गया मन की तो एक शर्त करो या तो सर्टिफिकेट देखूंगा या सितार सुनूंगा दो में से एक बात नक्की कर लो। अब वो भी हमारे ऐसे मारसा तो निकले होने की सर्टिफिकेट देख लो कुछ पागलन की कॉलेज के सर्टिफिकेट के बच्चन की स्कूल के प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट कोई हायर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के हमारे स्कूल में अच्छी सितार बजा गए। अब मन की भाई वचन दियो है तो 100-150 सब सर्टिफिकेट मैंने देखे बैठ के तो मन कह दियो अब सितार नहीं सुनूंगा मैंने अपनी चर्च पूरी कर ली सब सर्टिफिकेट देख लिया अब सितार सुनने की क्या जरूरत है। सर्टिफिकेट की जरूरत वाकू पड़े तो जाके सितार में कहीं कुछ न कुछ मिलता है सर्टिफिकेट दिखाने की क्या जरूरत है सितार बजा दो अपने आप सर्टिफाइड हो जाएगी बात। जब सर्टिफिकेट तो आग्रह है कहीं न कहीं कुछ न कुछ कह बांटे है न तो पंडितम मन एक दूसरी चीज है और पंडित एक दूसरी चीज है। ऐसे ही जो ज्ञानी है वह ज्ञानी को
विमुक्ति मान्यता नहीं होगी, वो तो विमुक्ति होगी, बाकी मस्ती ही आके मुक्ति की मस्ती होगी। तो जो अपने आप को विमुक्त मानी मैट है, ये निर विंदाक्ष विमुक्त मानिना, वह विमुक्त मान्यता के कारण क्या हो जाए कि उनको प्रभु में भाव अस्त हो जाए। जो मुक्त है वापस तो प्रभु छोड़ के कोई सामान्य से सामान्य क्षुद्र वस्तु में भी भाव को अस्त नहीं हो गया। प्रभु की तो बात दूर रही, पर जो सामान्य क्षुद्र वस्तु हैं उनमें भी वातो भाव जो है वो असंगत नहीं हुआ, क्योंकि वो मुक्त है। वातो भाव कहीं भी जुड़ा है वासी कोई फर्क वासु नहीं पड़े, पर जो विमुक्त मानी है वहां में भस्मासुर की वृत्ति जगे और वो कह के ब्रह्म कौन, ब्रह्म कौन, ब्रह्म तो मैं, या तरह से जाओ तक ब्रह्म कौन हो जाए तब वो भाव अस्त हो गया ब्रह्म में। अस्त भाव आज वो भाव के अस्त होने के कारण बुद्धि अविशुद्ध हो जाए, और आरुह्य कृत्रेण परम पदंत कर रैंक की तरह ऊपर चढ़ो के जो जाते हो वो चढ़ तो जाए तब तो पारी भरे भय हुए, पर पतन के अधो नादर से विष्णु देव जब वो कब उल्टे तो सारो पहाड़ी रिक्त हो जाए। कालिदास कहे ना कि नीचे गच्छत परिचय जना चक्र नियमित क्रमेण, बड़ो भरे भय ऊपर तक जावे साधनांत भरे भय, और एक पॉइंट वो सैचुरेशन पॉइंट आया उल्टी नहीं वो एकदम रिक्त अवांग मुख नीचे आ जाए, पतन चधो नादर से विष्णु दंग्रह तथा न से माधव सावका। जो सदीय हैं जिनको तेरे में भाव अस्त नहीं भयो वो विमुक्त हो जाएंगे, उनमें अभय भान भी आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, तभी उनको ब्रह्म में भाव अस्त नहीं होएगो, भाव अस्त नहीं होएगो। तथा न ते माधव सावका क्वचित दुष्यंती मार्गात सही बद्ध सौहृदा, सौहृद की जोर उनमें प्रणय रचनया ग्रहित पद्म ये भागवत के प्रणय की जो रचना है वह तो तेरे चरण उनने बांध के पकड़ रखे हैं। तैसो पतन मन तथा न ते माधव तावका क्वचित दृश्यंती मार्गात सही बद्ध सौहृदा दया भी गुप्ता विचरंती निर्भया विनायका निकप मूर्धत प्रभो। तो उनको निर्भय रमण जो है वो ऐसे संसार में भी हुआ है जीवन मुक्त हुए तो, और यदि मुक्त हो जाए विदेह मुक्ति उनको प्राप्त हुआ है तो ब्रह्म भाव के रूप में जो है उनको जो है वो मुक्त दशा में भी निर्भय रमण हुआ है। ये जो है तो निर्भय रमण जो शुद्धाद्वैत की मुख्य समस्या है, वो शुद्धाद्वैत की मुख्य समस्या के अनुरूप यहाँ गोपिका ने ये प्रार्थना करी है। कैसे तथापि मन नेत्र वपु प्रभृति नाम मृजाधिप साक्षात कई उपभोगम में मन कामयते तरा। सदीयत्व हूँ, सदीयत्व मेरे में है ये बात 100% सच्ची, पर फिर भी मन नेत्र मद वपु इतरेशाम अपी साक्षात कई उपभोगम में मन कामयते। इतनी सी बात है और वो मन कामयते, और यदि मन में मेरे ये कामना है कि मेरी आंख को तेरे में कछु उपयोग होवे, मेरे देह को तेरे लिए कछु उपयोग होवे, तो वो जो है वो तू जब तक है तो अभयप्रद तेरो श्रीहस्त कामप्रद तेरो श्रीहस्त जब तक मेरे माथे पर नहीं धरेगो तब तक केवल सदीयता तो वह अनंग की साधना से ये सारी साध जो है केवल सदीयता रूपी अनंग की साधना से ये साध जो है वो सिद्ध होने वाली नहीं है। ये बात जो है वो सात्विक गोपिका ने कही। आज यहां रखे मनोरथपथ सकल समेती दोषाभिन सुलभनम सुलभरीय पंचत पादारविंदमरविंदम पूर्व जीवस्तुचितकृतिश्चाति भवान्यस्तापेक्षो निरीतरण दाने बत भले अत स्वात्मानं त्वं निरुपमं मनि त्वं निजपते समीक्षात्म नेत्रे शिशिर। मृजचनार्ति हन वीरयोषिताम निजजनस्मय संसनस्मित भज सके भवत किंकरित मनु जलरुहानं चारुदत्त। सात्विक सात्विकी गोपिका के
या गोपिका ने सात्विक सात्विक की गोपिका ने प्रभु तु अभय मांगो मैंने भाई की निवृत्ति और कामदम मांगो काम मैंने कामना वैसे सामान्यतया तो कामदम को अर्थ ऐसा करें कि कामना को जो पूरा करते हो नहीं कामना को जो पूरा करते हो वो कामत तय हो जाए करीबी वैसा अर्थ तक जाने के पहले काम को अर्थ ऐसा भी कर लें तो जो कामना बढ़ाते हो वो भी कामत कह जाए जैसे धन देते हो तो धनक यश देते हो तो यशोदा यश जो देती हो वो यशोदा तो काम जो देते हो वो कामत तो जब काम है भगवत विषय कामना है भगवान के बारे में प्रभु के बारे में कुछ मनोरथ हैं और यदि वो पूर्ण नहीं है तो भय उपस्थित हो जाएगा मनोरथ है और पूर्ण नहीं भय तो भय हो गया भयजनक हो जाएगा तो अभय काम कैसे हो गए तो जो सफल काम हो गए वही अभय काम हो जो निष्फल काम हो गए तो सभय काम हो गए या लिए या गोपिका ने प्रभु के हस्त में दो गुण माने अभय प्रद प्रभु का हस्त है और कामप्रद हस्त है तो काम की पूर्ति नहीं मांगते काम मांगो वाको मुख्य कारण यह कि जाति प्रभु बने सिहस्त धरने की प्रक्रिया में प्रभु बन जाए इसलिए आचार्यकरण ने कही कि प्रथमतः शिरसि हस्तस्थापनेन स्वाधीनीकरणम ज्योतितम एक वक्त माथे पर हाथ धर दे हमारे तो हम तेरे अधीन है ये ज्योतित यदि हो गए तो अहम भक्त पराधीन तू भक्त के पराधीन है तो तेरो भी हमारी अधीनता ज्योतित हो जाएगी पर ये बात वो स्पष्टतया कह क्यों नहीं पाई क्योंकि भाव सात्विक हटे और इतनो जब माने मान लो तब सात्विक के अंतर्गत जो तामस गोपिका है बापू बात भाव तो जचे क्योंकि दोनों एक गुट की हैं भाव जचे पर भाषा थोड़ी फिर भी दबी दबी सी लगी दोस्तों बहुत दोस्तों लगा तो या लिए वो थोड़े भाव को अपनी भाषा में से बांध के कह रहे हैं अब या के तामस भाव है तामस भाव है तो बात वो ही कह रही है क्योंकि तामस भाव है बड़ी धृष्टता से धार्ष्ट्य ना आचार्य चरण को बड़ो मैं समझो आचार्य चरण को ईजा वक्त ने धार्ष्ट्य शब्द लिखे हुए तो तब भी बड़े रम गए होंगे यहां लिखते लिखते बड़े प्यार से लिखे ये धार्ष्ट शब्द धृष्टता धृष्टता धार्ष्ट कहते हैं माने अंडोतर इम्पर्टिनेंट होता
तो दृष्टता की बात वो ही कह रही है। तो क्या है कि जब छुप गया है और हाथ तो माथे पर रख लो, ठीक है, तेरो सिंहस्थ अभयदान करने वालो है, भय दूर करने वालो है, ठीक है, काम प्रद है, अभय प्रद है, पर अभय और कामप्रद श्रीहस्त तू भी ज्यादा बड़ी समस्या या बकत यह है कि तू प्रकट हो जा। माने पहले यो कह दो कि अभय होना चाहिए, काम होना चाहिए, और फिर काम की जो है वो अभयता या में है कि तू प्रकट हो गया या में, इतनी परंपरा तू मांगने की क्या जरूरत है, गई क्यों ना मांगना, क्योंकि जब परंपरा से कुछ मांगे तो कुछ अर्थ को अनर्थ भी हो जाए। एक ऐसा नियम है कि जितनी बात तुम सरलता से कहो उतनी जो बात है ना उसकी भी आ रही, और जितनी घुमा फिरा के कहो उतनी बात जो है वो आके घुमा फिरा के अर्थ भी निकाले जा सकते। जब अगर तुम घुमा फिरा के बोलोगे तो उतने घुमा फिराते वाक्य अर्थ में निकाले जा सके हैं, तो जितनी बात तुम सीधी कहोगे उतने ही वाक्य सीधे अर्थ भी आएंगे। बिहारी के वाक्य आवे है कि बिहारी ने एक दोहा बनाया और वाक्य कुछ छह या सात अर्थ कुछ और लिख के कही कि भाई कवि सम्मेलन में जाके तो सुनाइए। बिहारी को जो है वो घुमा फिरा के बात कहने की आदत, छह सात अर्थ वाले सोच के तुम छह सात अर्थन में घूम जाए ऐसा एक दोहा बनायो और तो कहीं तो जाकर पढ़ो कभी सम्मेलन में। तो चुपचाप पीछे से बिहारी की जो तो वहां ऐसे 27 अर्थ लिखी तो बिहारी को भी नहीं पता है अपने दोहा से। और तो कारण क्या, क्योंकि जितनी घुमा फिरा के बात कहोगे उतने अर्थ भी वाके फिर घूम फिर के निकलेंगे। अब वहां में जाके जैसी सामर्थ्य जिसमें घुमा फिरा के निकालते है ना, तो इतनी घुमा फिरा के अपन बात करें। अब आपको ऐसे घुमा फिरा के अर्थ कोई भगवान काढ़े और फिर प्रकट हुए कि नहीं हुए या के वजह सीधी बात क्यों न करनी, जो है जो बात चुप रही है वही बात तू सीधे तू क्यों न मांग लेना, ऐसी सात्विक सात्विकता की क्या आवश्यकता तो जाके कारण इतनी घुमा फिरा के बात कहनी पड़ती है। ये गोपी वही भाव को थोड़ी सी दृष्टता के साथ, माने ब्लंट होके, दृष्टता का मतलब ब्लंट होके, ब्लंटनेस, थोड़ी ब्लंट होकर वही बात भी कह रही है कि हे भगवान एता वक्त न जानी, ये सब जो बोल रही हैं इनके ऊपर इनके भाव ठीक हैं पर इनको बोलना अपना केस प्लीड करने नहीं आ रहा, और इनने जा तरह से अपना केस प्लीड किया है वहां पर तुम में चाहिए। अभी वो मेहसाणा में जज मिले ना, तो वो बता रहे थे कि जो जज सीधे सीधे जजमेंट दे हैं उनकी रूलिंग भी जो है वो बड़ी सीधी स्ट्रेट आवे, पर जो घुमा फिरा के जजमेंट दें जो जज उनकी रूलिंग में भी ऐसे ऐसे अर्थ छुपे हुए हैं कि चाहिए जहां वो ट्विस्ट हो सके, क्योंकि वो कैलकुलेशन सब उनने पहले ही करे हुए हैं। मैंने उनके बात बताई थी, प्रकाश बैन का पति है ना गुरु जी सैयद में, तो ऐसे ही वो ही करिए कि भाई इनकी बात पर मत जाओ, क्योंकि जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने घुमा फिरा के वर मांगे
कि जल में नहीं मरूं, थल में नहीं मरूं, आदमी सु नहीं मरूं, पशु सु नहीं मरूं, यासु नहीं मरूं, वासु नहीं मरूं। बहुत घुमा फिरा के वरदान मांगियो तो भगवान ने किया, अच्छा चल घुमा फिरा के रूप लेके आओ, कुमार दियो, जो न जल पे हतो, न थल पे हतो, न दिन में हतो, न रात में हतो, न आदमी में हतो, न पशु में हतो, न सिंह हतो, बेली पे बैठ के तान कुमार दियो। बोले दिन है नहीं, रात है नहीं, घर है नहीं, बाहर है नहीं, डेली पे है, आदमी है नहीं, जानवर है नहीं, तम भागम में भागे, मैंने वो कह के नरक प्रोक्त भागे च सिंह, तम भागम अभागे नरसिंह इत्युच्यते। भाग में हरी है, भाग में मनुष्य और भाग में सिंह है। अब वो भाग भाग से सोचो तो मनुष्य और वो है, और अभाग से सोचो तो न जाने क्या है, ऐसा तो कोई ऐसा ही नहीं है, बात रह को रूप को रहते नहीं, तो कितनों घुमा फिरा के रूप लेकर वाको निर्णय दे दियो ना। तो जो घुमा फिरा के बाद पूछी जाए वाको वर भी जो है, वाको जो फल भी जो है, वो ऐसे ही घूम फिर के आवे, सीधा नहीं आवे। अब वाके क्या अर्थ निकल जाए। अब जैसे घुमा फिरा के अपने आप उस समय में सोचो, अपन क्यों वह भयानक रथ तक जाए। घुमा फिरा के राधा सहचरी ने कही, समझ करूं बेटा, चिंता मत रख के पूछियो। घुमा फिरा के राधा सहचरी जी ने कही, तो न पा रही है हम चले तुम नयमाम यत्र ते मन। यदि सीधे ढंग से कही होती तो ठाकुर जी ने भी शायद बोधी मूसा के पधरा गए होते, वन का बड़ी बात होती, नहीं चले जा सकते तो हुए थक जाए तो गोदी में उठा के ले जाने कोई बड़ी बात नहीं थी। पर दरअसल वहां कोई गोदी में जाने की इच्छा हती नहीं, घुमा फिरा के कही ये हती कि जैसे तुम तिरोहित हो रहे हो सब सु, ऐसे मैं तुमसे तिरोहित होना चाहूं। और अब मैं बात, अरे आप तो जाने वाले थे ना, तो कहें कि सीधे ढंग से कहे हो तो प्रभु ने सीधे ढंग से आपको उत्तर दे दिए हो, तो प्रभु ने भी वैसे घुमा फिरा के उत्तर दिए हो, कि ऐसा कंधा मारू ये तानी